नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रीकांत दास। अपना श्रीकांत दास ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग एक चीज़ बनाने वाले हैं, रोलर। जैसे दूसरे दूसरे जो रोलर आता है उसमें हमारा बियरिंग लगा होता है, और हम लोग जो साइड में रोलर बनाते हैं, जो हम लोग ऐसे फटाक से आप लोग फोन करके बोलते हैं रोलर बनाओ, उसमें बियरिंग फेयरिंग हम लोग फिट नहीं करते हैं। हम लोग उसमें नॉर्मली बना देते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया काम करता है। आज हम लोग उसको सीखेंगे। हमारा चैनल में बने रहेंगे, बने रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो अभी चलते हैं, हम लोग रोलर कैसे बनाते हैं जो हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर वो पाइप कटिंग किया है, थोड़ा पाइप का थिकनेस अच्छा है। देखिएगा, इसको मैं कटिंग करके ऑलरेडी ग्रेडिंग कर दिया हूँ, ताकि तो बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो देखिए, मैं इसको 500 साइज का कटिंग कर दिया हूँ। और यहाँ पर देखिए, मैं ये थोड़ा थोड़ा बाहर रखी है सरिया, मैं कटिंग करके लेके आया हूँ। ये राउंड बार है। आप लोग जो हमारा जो नॉर्मल सरिया आता है ना, उसकी भी ग्राइंडिंग करके ऐसा बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक बात ध्यान दीजिएगा, आप जितने का भी सरिया ले रहा है उसके हिसाब से फिक्स टू फिक्स वाशर लेना पड़ेगा। और नहीं तो आपको अगर पक्का ऐसा परफेक्ट प्लेट कटिंग कर सकता है, ड्रिल वाला सिस्टम है, तो उसके लिए बराबर रहेगा। नहीं तो ऐसा वाशर लेंगे ना, वो बहुत बढ़िया रहेगा। तो अभी ऐसा देखिए, हम ये वाशर लिया है, इसमें देखिए हमारा फिक्स टू फिक्स है। इसमें ये वाशर को देखिएगा, फिक्स टू फिक्स है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सेंटर मार्किंग कर देंगे। जैसे अभी हमारा ये 650 है, तो हम यहाँ 325 में मार्किंग कर देंगे। 325 में मार्किंग कर देंगे। और यहाँ पर देखिए, ये हमारा ये 500 है, तो हम यहाँ पर 250 मार्किंग करेंगे। और ये देखिए 500। अभी इसको बहुत अच्छा से मार्किंग कर लेते हैं। अभी क्या करना है, ये जो हम लोग दो वाशर है ना, दो वाशर इस जगह पे ऐसा फिटिंग करना है। इस जगह पे ऐसा टाका मारेंगे दो वाशर, और ये जो मार्किंग किया है हम लोग, ये मार्किंग का अंदर ही रहना मांगता है, और ये भी मार्किंग मतलब उस तरफ बाहर रहना मांगता है। इसको अभी हम लोग टाका मारेंगे, फिर इसके अंदर डाल के फिट करके दिखाएंगे कैसा बढ़िया बनता है। ओके दोस्तों, अभी इसको हम टाका मारते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाता है। अभी आपने देखिए, मैं इसको कैसा टाका मार दिया है। और टाका मारते समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग जो टाका मारेंगे वो इसका इनसाइड मारेंगे, आउटसाइड में नहीं मारेंगे। ओके दोस्तों, नहीं तो वो घूमेगा नहीं बराबर। अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये देखिए, इसको आप लोग हम लोग इसका अंदर डाल देंगे। और ये प्लेट जो हम लोग काट के चार रखे थे, ये देखिए, ये प्लेट जो काट के हम लोग चार रखे हैं, इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पर बैठाएंगे, बैठा के इसको हम टाका मारेंगे, इसके साथ टाका मारेंगे। ओके दोस्तों, तो देखिएगा, ये देखिए रोलर हमारा बन चुका है। हम यहाँ पर पिलर वेल्डिंग कर दिया है, पिलर वेल्डिंग करके इसको ग्राइंडिंग कर दिया, और थोड़ा बहुत ग्रीस लगाया है। और अभी इसको हम लोग घुमा के देखेंगे। देखिए कितना बढ़िया घूम रहा है। तो ये हमारा यहाँ पर अभी ये रोलर रेडी हो गया। अभी आपको क्या करना है, आपको जहाँ फिट करना है ना, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर प्लेट या वो यू टाइप का प्लेट कटिंग करके दोनों बाजू वेल्डिंग करना है। आप ऐसा पोजीशन में, ऐसा फ्लैट में, वर्टिकल में, कोई भी पोजीशन में लगाइए, कोई इसका इशू नहीं आएगा। और ये बहुत दिन तक चलेगा भी, बिना बियरिंग का हमारा ये रोलर बन गया। ओके दोस्तों, तो ऐसे हमारे साथ में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं दूसरा वीडियो में।